निकला हूँ। अरे देखो क्या रास्ता है, दिख रहा है वेलकम रेस्टोरेंट। बस यही सीन है, देखो भाई लोग हाईवे के लिए निकला हूँ गांव जाने के लिए। अभी तो मेरी गाड़ी नहीं दिखाया हूँ, नहीं दिखा देता हूँ आप लोगों को मेरी गाड़ी भी। देखो रास्ता देखो, ये बोलते हैं गोवा हाईवे। देखिए क्या हाल है यहाँ पे, तो मस्त ऐसा लग रहा है मस्का है। आगे देख लेना कैसे कैसे खड्डे आ जाते हैं, ऐसे लगता है गाड़ी उठा के चला लो वो बेहतर है उससे। देना इंडिया वाले वीडियो इंडिया के वीडियो ये रोड है, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, बॉम्बे टू गोवा NH66। हेलो, तुम बोलते ना तुम कोहरा, देखो यार किस तरह होता है। सामने की गाड़ी नहीं दिख रही, समय में तो कैमरा में तो इतना नहीं पता चल रहा होगा, रियल में बहुत ज्यादा कोहरा है। हम लोग देखो मॉर्निंग का रास्ता देखो, ये तो हाईवे से अंदर का रास्ता है, लेकिन फिर भी बेटर है पहले वाले से, तो हाईवे से तो बहुत बेटर है। देखो सबसे जबरदस्त चीज तो हरियाली देखो यार, व्यू देखो यार मॉर्निंग का। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, देखो जैसे कि फाइनल ट्रिप गांव में पहुंच चुका हूँ, गाड़ी पार्क हो चुकी है अपनी यहाँ पे, क्या करेंगे रास्ता नहीं आने के लिए। ये हालत हो गई है बारिश की वजह से, पूरा बह के चले गया क्योंकि यहाँ तक तो कंक्रीट है, यहाँ तक कंक्रीट है, इसके आगे यहाँ पे पूरा मड है ना, तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन मेरे पास तो इधर था, मेरे कज़न भाई के घर के सामने इधर, लेकिन उधर भी गाड़ी जाएगी नहीं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है ना गाड़ी का अपने। और यही अपना घर छोटा सा प्यारा सा, यही अभी रास्ते का इशू। और ये जैसे कि मेरी गाड़ी, हाँ यार एक व्यू दिखा देता हूँ, धुली हुई नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। क्या करेंगे अभी, सही यही है बस, जो भी है यही है। और फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ, बालों फिर की हालत देखो कैसी हो गई है, क्योंकि रात में पौने आई थिंक 12:30 में स्टार्ट किया हूँ गाड़ी, और अभी
मेरे गांव के नज़दीक में एक सिटी पड़ती है, वहाँ पे 7 बजे मैं टच हो गया था और वहाँ से फिर 1 घंटा रेस्ट लेके मेरे अंकल के घर पे 1 घंटा रेस्ट लेके फिर उसके बाद में मैं उधर से निकल गया सीधे गांव के लिए। वो भी गांव का रास्ता तो दिखाऊंगा और एक वीडियो बनाऊंगा, गांव के रास्ते के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे फिर बोलेंगे रास्ता कैसा होता है। बाल की हालत देखो क्या हालत हो गई, और ऊपर से क्या है इशू, लाइट नहीं है यार क्या करेंगे, लाइट नहीं है। जैसे कि देखिए माशाल्लाह हमारी मस्जिद कितनी खूबसूरत है, थोड़ा सा मीनारे को बड़े दूम करता हूँ, देखिए मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद आ जाती है। मेरे कज़न भाई का है और ये होम स्वीट होम। हाँ यार और एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया हूँ, देखिए दो दो बाइक्स थोड़ा सा मुखरा दिखा देता हूँ हमारे बाइक को का। पल्सर 180 पल्सर फेवरेट, माय फेवरेट 600 जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी चालू है, चलती है। बस अभी थोड़ा सा टैंक का इशू हो गया था, ये पूरी तरह सड़ गई थी टैंक, तो बस वही एक प्रॉब्लम था, वो मसला हो गया है। अभी टैंक चेंज कर दूंगा तो ओके हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे अभी तो निकालता हूँ उसको, तो बहुत दिन बाद देखिए कितना कचरा बैठा हुआ है, देखिए कितना कचरा बैठा हुआ है, इसका भी ब्रेक वगैरह सब गया हुआ है। तो अपना तो है, देखते हैं अभी क्या ब्लॉक है, ऑन करके देखेंगे इसको। देखो टायर बिल्कुल नए, चल ही नहीं है टायर डालने के बाद, देखते हैं अभी क्या होता है।